हुनर हाट में ODOP के उत्पाद पहली बार हुए शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया हुनर हाट का शुभारंभ। 4 फरवरी तक चलने वाले हुनर हाट में देश भर के शिल्पकार और दस्तकार शामिल। हुनर हाट के जरिए प्रदेश के शिल्पियों और दस्तकारों को योगी सरकार ने उपलब्ध कराया बड़ा मंच। हुनरमंदों को मंच देने के लिए CM योगी ने PM मोदी को दिया धन्यवाद। कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दुनिया के देशों को वैक्सीन बांट रहा है आज का भारत। पहले का भारत होता तो वैक्सीन के लिए भटक रहे होते हम लोग। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है, मैं पूजा वर्मा। मैंने दिल्ली में भी नकवी जी के द्वारा आयोजित हुनर हाट को देखा है। ये सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्यक्रम था। इसी क्रम में ये आयोजन हम सब के लिए अभिनंदनीय है। इस हुनर हाट में हमारी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट को भी जोड़ा गया। ODOP ने प्रदेश में नई संभावनाएं पैदा की, चाहे वो लखनऊ की चिकनकारी हो, भदोई की कारपेट हो या फिर गोरखपुर का टेराकोटा हो। ये सभी हमारे प्रदेश के जिलों की पहचान है। इस योजना के माध्यम से स्थानीय कारीगरों को भी सम्मान मिल रहा है। CM ने कहा, आपने देखा है कि हमारे कारीगरों को जब मंच नहीं मिला, प्रोत्साहन नहीं मिला, तो उसका परिणाम ये हुआ कि उत्तर प्रदेश पिछड़ता चला गया। लेकिन पिछले 3 वर्षों में प्रदेश ने ऊंची छलांग लगाई है। मोदी जी के कहते हैं, हुनर हाट हो या एक जिला एक उत्पाद हो, ये आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी प्राप्त करता है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की तारीफ करते हुए CM योगी ने कहा कि नकवी जी के अल्पसंख्यक मंत्रालय ने अभूतपूर्व काम किया है। मंत्रालय द्वारा 5 लाख शिल्पकारों को प्रोत्साहन मिल रहा है। उनके चेहरों की मुस्कान आत्मनिर्भर अभियान को और मजबूत कर रही है। आज उत्तर प्रदेश की धरती पर आपके आयोजन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इससे हमारे शिल्पकारों को एक मंच मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखनऊ के शिल्पग्राम में हुनर हाट का उद्घाटन किया। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित इस हुनर हाट के जरिए योगी सरकार शिल्पकारों और दस्तकारों को बड़ा मंच उपलब्ध करा रही है। 4 फरवरी तक चलने वाले इस हुनर हाट में पहली बार ODOP के उत्पाद भी शामिल किए गए हैं। हुनर हाट का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने खुले दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की तारीफ की। योगी ने वर्षों तक देश का विकास बाधित रखने वाले कांग्रेस पर निशाना साधा, तो प्रदेश की प्रतिभाओं को मंच न देने वाली पिछली सरकारों पर भी हमला बोला। योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज का भारत नेपाल, भूटान, ब्राजील, बांग्लादेश, मॉरिशस को वैक्सीन बांट रहा है। मुख्यमंत्री ने हुनर हाट में शामिल होने देश भर से आए शिल्पकारों दस्तकारों का स्वागत करते हुए हुनर को यह बड़ा मंच देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि आज़ादी दिलाने के लिए हमारे क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों ने जो उद्घोष दिया था वह स्वदेशी ही था। उस स्वदेशी मंत्र को सफल बनाने के लिए आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद है। इस तरह दीपावली में आपने देखा होगा लोकल फॉर वोकल को लेकर स्वदेशी उत्पाद को किस तरह बढ़ावा मिला। मैं धन्यवाद दूंगा नकवी जी को, जिन्होंने हुनर हाट का आयोजन राजधानी लखनऊ में करके इसे वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद को इससे जोड़ा है। पिछले वर्ष के हुनर हाट में हमारे चार्ट को देख कर बड़े वाले टंडन जी की याद आ गई थी। भारत में अलग अलग हुनर है, लेकिन हमारी भावनाएं वसुधैव कुटुंबकम के साथ जागृत होती है। दीपावली के पहले हमने इसी हुनर के लिए आयोजन किया, जो बहुत सफल रहा। उस वक्त एक टेराकोटा कारीगर से मैंने उसकी बिक्री पूछी। उसने कहा, 3 दिन के भीतर 8 लाख की बिक्री हुई। CM ने कहा, सोचिए अगर इन्हें मंच ना मिलता तो क्या होता। गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति के लिए हमें चीन पर निर्भर होना पड़ता। उस आयोजन से एक एक शिल्पियों ने बहुत लाभ कमाया। दीपावली में मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। मिट्टी के दीयों का निर्माण हुआ, गोबर के दीपक जलाए गए, लोगों ने सादगी के साथ त्यौहार मनाया और स्वावलंबन का एहसास भी करवाया। यही आत्मनिर्भरता है। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे लिए आत्मनिर्भर का आधार ही स्वावलंबन है। याद करिए कोरोना के 10 महीने के उस दौर को, जब हैंड सैनिटाइजर की कीमत 600 रुपये तक हो गई थी। ऐसे में उत्तर प्रदेश ने डिस्टिलरियों के साथ मिलकर इतना उत्पादन कर दिया कि इसका 27 राज्यों में निर्यात किया जाने लगा। इसी तरह PPE किट के लिए भी हमने स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहित किया और आज उसका परिणाम सामने है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए योगी ने कहा, पहले का भारत होता तो आज वैक्सीन के लिए भटक रहा होता, लेकिन यह मोदी जी के नेतृत्व का नया भारत है। आज का भारत नेपाल, भूटान, ब्राजील, बांग्लादेश, मॉरिशस को वैक्सीन बांट रहा है। ये मोदी जी के विजन का ही परिणाम है।
स्वावलंबन यही होता है। सबसे बड़े लोकतंत्र ने वैश्विक स्तर पर कोविड का बेहतर मैनेजमेंट तो किया ही, साथ ही दुनिया भर का एकमात्र देश बना जिसने एक साथ दो वैक्सीन बना दी। आज पूरी दुनिया भारत के पीछे खड़े होकर भारत को प्रोत्साहित कर रही है। भारत का वैक्सीन सबसे बेहतर माना गया, 200 रुपये का वैक्सीन सबसे बेहतर माना गया। आज सुबह सुबह ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने ट्वीट कर भारत को वैक्सीन के लिए धन्यवाद दिया। इससे हर भारतवासी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। गड़गड़ाती हुई तालियों के साथ ये प्रतीत होना चाहिए कि आज हम अवध शिल्पग्राम लखनऊ में है। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, एक प्रेमपूर्ण स्वागत, एक दिल से जो स्वागत किया जाता है अपने बहुत ही प्यारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, हम आपका अभिनंदन करते हैं, तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं सबसे पहले निवेदन करूंगी श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी से। सिलसिला हमारी आंखों के सामने, सर बहुत बहुत अभिनंदन, जिस पल का हमें इंतजार था वो लम्हा अब हमारी निगाहों के सामने। जोरदार तालियों से अभिनंदन, बहुत ही जोरदार तालियां। श्री पी के दास जी से निवेदन है, माननीय श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी का अभिनंदन करें। अभिनंदन, जोरदार तालियां। हुनरमंदों के हौसले बुलंद। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अभी तक देश के विभिन्न भागों में बहुत सारे, लगभग 2 दर्जन से अधिक हुनर हाट का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें लाखों दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों को रोजगार के बहुत ही सुंदर अवसर मिले हैं। इनका ऑनलाइन प्रदर्शन भी किया जा रहा है, साथ ही लोगों को हुनर हाट में प्रदर्शित सामान को ऑनलाइन खरीदने की भी सुविधा दी जा रही है। क्राफ्ट, क्विजीन और कल्चर का एक अद्भुत संगम है हुनर हाट। आज हुनर हाट इन्होंने सिर्फ राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दिया है। मेरे साथ जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी, जिनकी बदौलत हुनर हाट को नई ऊंचाइयां मिली है, अंतरराष्ट्रीय मंच मिला है। परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री, बहुत ही डायनेमिक मुख्यमंत्री और समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश में दिन और रात काम कर रहे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे अभी इस जो पूर्व वक्ता हैं, हमारे सचिव श्री पी के दास जी ने जितने भी हमारे मंचासीन नेताओं के नाम लिए हैं वो सब के सब लोग, और यहाँ पर मौजूद दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर और उपस्थित गणमान्य मित्रों, मैं सबसे पहले तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि देश के हर कोने से आए हुए दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों को का प्रोत्साहन करने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए आप दोबारा आपने हुनर हाट के उद्घाटन के कार्यक्रम में समय दिया। आपका बहुत बहुत मैं नतमस्तक होकर के धन्यवाद करता हूँ। सभी राज्य, देश भर के लगभग सभी राज्यों के दस्तकार, शिल्पकार यहाँ आए हुए हैं। हमारा देश का हर कोना, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कटक तक, कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ हमारे हुनर की शानदार और जानदार विरासत न मौजूद हो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक संकल्प शुरू से रहा है कि ये जो हमारी दस्तकारी, शिल्पकारी कि जो विरासत है वो कहीं लुप्त हो रही है, उसको जो मौका और मार्केट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और उन्होंने खुद इस बात को कई उदाहरण के तौर से, कई उनके जो अनुभव थे उसके आधार पर हम लोगों को कहा और हमसे और हमारे मंत्रालय से कहा कि इस दिशा में हमें बहुत ही मजबूती के साथ प्रयास करने चाहिए और काम करने चाहिए। हम लोगों ने हुनर हाट शुरू किया और हुनर हाट को हमने देश के हर कोने में प्रमुख जगहों पे, चाहे मुंबई का मरीन ड्राइव रहा हो, चाहे दिल्ली का इंडिया गेट रहा हो, चाहे अहमदाबाद का जो है वो साबरमती रिवर फ्रंट रहा हो, या देश के और भी जो प्रमुख प्रमुख हिस्से हैं, और इससे पहले लखनऊ का इसी स्थान पर रहा हो, सभी जगहों पर हुनर हाट हुआ। मुझे इस बात को बताने में खुशी है कि 5 लाख से ज्यादा दस्तकार, शिल्पकार, उससे जुड़े हुए लोगों को रोजगार देने में ये हुनर हाट बहुत ही
सफल उसने अपना सफर आगे तय किया है। प्रधानमंत्री जी का जो एक संकल्प है वोकल फॉर लोकल, तो उस संकल्प को हम जहां आगे बढ़ा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ लोकल को ग्लोबल का भी संकल्प ये हुनर हाट आगे बढ़ा रहा है। और अभी कई ऐसे देश हैं जिन्होंने कि हमारे मंत्रालय को, हमारे मंत्रालय के अधिकारियों को, विदेश मंत्रालय को ये लिखा है, या आप लोगों का आशीर्वाद है, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो लोकल के प्रति वोकल और वोकल ही जो है वो लोकल को ग्लोबल बनाएगा वो ही संकल्प है। उसका नतीजा है कि कई ऐसे देश हैं जिन्होंने हुनर हाट अपने देश में आयोजित करने का आह्वान किया है, जिसमें हम लोगों ने अभी हमारे मंत्रालय ने पुर्तगाल का जो आमंत्रण है उसे स्वीकार किया और हम पुर्तगाल करेंगे। इसी तरह से ग्रीस है, यूएसए है, जर्मनी है, मिलान है, इटली है, पेरू है, उसके अतिरिक्त मास्को है, कई और देश हैं जिनमें की करना है। ये हमारे जो देश के दस्तकार हैं, इनके जो हमारी स्वदेशी विरासत है उस विरासत के प्रति जो आकर्षण है वो आकर्षण न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है। और ये जो लोकल के प्रति प्रधानमंत्री जी का आह्वान था, लोकल के प्रति हमें जो है वो वोकल होना चाहिए और वही वोकल हमें हमारे लोकल को ग्लोबल बना रहा है। उत्तर प्रदेश को जिस तरह से हुनर हब की तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने स्थापित करने का एक लंबा अभियान शुरू किया है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश का हर कोना जो है हुनर के उस्तादों से भरा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश का जो हर हिस्सा है, जब हम कहते हैं कि ये हुनर हब बनना चाहिए, तो इसमें हम पूरी तरह से मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश को देश के हुनर हब के रूप में स्थापित करने में हम उत्तर प्रदेश सरकार की, श्री योगी आदित्यनाथ जी की पूरी तरह से कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि न हम नशी न किसी हम सफर से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समुंदर से नूर निकलेगा। तो हमारा जो संकल्प होगा वो हमारा संकल्प ही हमारे जो दस्तकारी, शिल्पकारी और हुनर के उस्तादों की विरासत है उसको परवान चढ़ाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है, मंजिलें जमी भर नहीं आसमान अभी बाकी है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी, गड़गड़ाती हुई तालियों के साथ एक बहुत ही प्रेमपूर्ण अभिनंदन। भारत के स्वाधीनता आंदोलन के महानायक, भारत माता के महान सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इस पावन जयंती के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा से प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुनर हाट के उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य शिल्पी भारत सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के माननीय मंत्री माननीय श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, श्री आशुतोष टंडन जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, श्री नंदगोपाल नंदी जी, श्री मोहसिन रजा जी, श्री बलदेव सिंह ओलक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कर्मठ और लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, सचिव अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार श्री पीके दास जी, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश एमएसएमई और सूचना श्री नवनीत सहगल जी, श्री एस के देव बर्मन जी,
आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अध्यक्ष खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग श्री वीके सक्सेना जी, हमारे स्थानीय प्रशासन से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, देश के कोने कोने से यहां पर उपस्थित सभी शिल्पकार, दस्तकार, कारीगर और उपस्थित भाइयों बहनों, इस 24वें हुनर हाट के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सबके हुनर को एक मंच देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी का हृदय से साधुवाद करते हुए आप सबका प्रदेश की राजधानी में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज का दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। भारत की स्वाधीनता की महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने और इस देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने सदियों से गुलामी की बेड़ियों से जकड़े हुए भारत को मुक्त कराने के लिए जो उद्घोष किया था, उस उद्घोष का मूल मंत्र स्वदेशी था। उस उद्घोष का मूल मंत्र स्वावलंबन था और स्वदेशी और स्वावलंबन की आधारशिला ही आत्मनिर्भर भारत है और उस आत्मनिर्भर भारत के वास्तविक शिल्पी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको माना है, आपकी कारीगरी को माना है। इसलिए मैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से माननीय नकवी जी ने इस हुनर हाट के माध्यम से देश के कारीगरों को, दस्तकारों को, शिल्पकारों को उनकी कला और उनकी हुनर को एक नई ऊंचाइयां देने का कार्य किया है। विगत वर्ष भी मैं इस आयोजन में यहां पर आया था और कितना भव्य आयोजन था। कार्यक्रम एक सप्ताह का था, बाद में 15 दिन तक चल गया था। मुझे दिल्ली में भी हुनर हाट में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। सीआरपी सिंह, एक बार मैं दिल्ली गया था, उन्होंने कहा कि नकवी जी ने एक हुनर हाट लगाया है, आप एक बार चल के देखें। सिद्धार्थनाथ सिंह मुझे वहां, सिद्धार्थनाथ सिंह जी मुझे लेकर के गए थे। कितना भव्य और कितना वहां पर भीड़ थी, मैं देख रहा था शाम के समय में कितनी भीड़ थी, लोग आ रहे थे, लोगों के मन में एक उत्सुकता थी जानने की, सीखने की, एक अपने आप में सफल आयोजन, सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता हुआ दिख रहा था। और वह एक आयोजन जो हमारे लिए वहां उस अवसर पर देखने को मिला है, पिछले कुछ समय से नकवी जी ने उसमें रुचि ली और उत्तर प्रदेश के अंदर भी देश के सभी दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर आकर के अपने अपने हुनर का लोहा मनाने और नई पीढ़ी को इस मार्ग का अनुसरण करने, आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर करने के लिए जो प्रेरित कर रहे हैं, वो हम सबके लिए अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि वास्तव में आत्मनिर्भर और स्वावलंबी भारत का आधार ये हमारी परंपरागत उद्यम ही है। याद करिए, हमने पिछले 10 महीनों से देश ने भी और दुनिया ने भी इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से जूझा है, उससे जूझ रहे हैं। मार्च 2020 को याद करिए, जब अचानक सैनिटाइजर के दाम 100 ml सैनिटाइजर का दाम 600 रुपए तक पहुंच गया था और उस समय हमारे उद्योगों ने, उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे डिस्टिलरी थी, हम लोगों ने इन सब से, चीनी मिलों से कहा कि भाई अपने डिस्टिलरी का उपयोग अब वहां पे किसी अन्य के लिए नहीं बल्कि इसका उपयोग सैनिटाइजर बनाने में करिए। और अगले 2 महीनों के दौरान इतना सैनिटाइजर बनाया गया
कि उत्तर प्रदेश की आवश्यकता तो पूर्ति किया ही किया, देश के 27 राज्यों में सैनिटाइजर भेजने का कार्य उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से किया था। याद करिए जब कोरोना का संक्रमण बढ़ने लग गया और पीपी किट लॉकडाउन हुआ, पीपी किट की डिमांड हुई, इस पीपी किट के लिए हमें चीन पे निर्भर रहना पड़ता था और एक बार तो वहां से काफी बड़ी मात्रा में पीपी किट मंगाए गए। बाद में पता लगा कि पीपी किट अनुपयुक्त है, कोरोना के संक्रमण को रोकने में विफल है, घटिया किस्म का है, पैसा पूरा ले रहा है लेकिन क्वालिटी नहीं दे रहा है। तो उसे वापस करके फिर हम लोगों ने अपने स्थानीय कारीगरों को इसके लिए प्रेरित किया और मैंने देखा कि देखते ही देखते उत्तर प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी पीपी किट का निर्माण होना प्रारंभ हुआ और आज पीपी किट का न केवल हम प्रोडक्शन अपनी आवश्यकता के अनुरूप कर रहे हैं बल्कि देश को भी और दुनिया को भी उसको देने का कार्य आज पीपी किट के माध्यम से को भी N95 मास्क के लिए भी ये सभी कार्य अब स्थानीय स्तर पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर ये काम पहले भी हो सकता था। मैं जब उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, इस बार मैं हुनर हाट का विशेष रूप से अभिनंदन करूंगा और माननीय नकवी जी को इस बात के लिए विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा। इस बार का यह हुनर हाट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार इसमें सहयोगी बनने का कार्य श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को भी इसके साथ जोड़ने का कार्य किया है। ये एक जनपद एक उत्पाद की जो हमारी अभिनव योजना है, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करती है और दोनों मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हम आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों को पूरा करेंगे और इस पर जो कार्य 2018 से उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुआ है उसके बहुत अच्छे परिणाम आए। इसने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट की क्षमता को बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य भी अपने परंपरागत उद्यम को दुनिया के देशों में पहुंचाने के लिए उसको निर्यात कर सकता हो, ये संभावनाएं तराशने का कार्य भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की हमारी अभिनव योजना ने देश और दुनिया को दिया है। और आज देखते ही देखते चाहे वह चिकनकारी लखनऊ की हो, भदोई की कालीन हो, वाराणसी के सिल्क का उद्योग का हो, चाहे वह गोरखपुर का टेराकोटा हो, चाहे वह फिरोजाबाद का ग्लास का उद्योग हो, चाहे वह मुरादाबाद में पीतल का उद्योग हो, चाहे वह अलीगढ़ का हार्डवेयर का हो, कन्नौज का इत्र हो, आगरा और कानपुर का लेदर के की कारीगरी हो, ये जितने भी हैं प्रदेश के अंदर हर जनपद में किसी न किसी जनपद में किसी न किसी एक विशिष्ट उत्पाद के लिए उस जनपद ने अपनी पहचान बनाई है। आखिर इस पहचान को और उससे जुड़े हुए कारीगरों को भी तो मंच मिलना चाहिए था। यह काम पहले भी हो सकता था। हमारे पूर्वज इस मामले में बड़े दूरदर्शी थे। मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश की मैं बात करता हूं तो उत्तर प्रदेश 1947 में जब यह देश आजाद हुआ था तब प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की देश की प्रति व्यक्ति आय के बराबर थी, लेकिन फिर एक साजिश के तहत उत्तर प्रदेश के परंपरागत उद्यम को हतोत्साहित किया गया, उन्हें प्लान करने के लिए मजबूर किया गया, उनके लिए मार्केट नहीं दी गई, उनको नई डिजाइन और नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का कार्य नहीं किया गया, उनकी उत्पाद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने के लिए प्रोत्साहन की जो आवश्यकता होनी चाहिए थी उसके लिए जब उस प्रकार का मंच नहीं दिया गया उसका परिणाम था उत्तर प्रदेश पिछड़ता गया। एक समय ऐसा भी आया जब देश की प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 हो गई थी, उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय मात्र 43,000 थी और पिछले 3 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने फिर एक लंबी जंप ली है। आज उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 43,000 से बढ़कर के 70,000 क्रॉस कर रही है, लेकिन साथ ही साथ
देश की प्रति व्यक्ति भी आय भी बढ़ी है, लेकिन अभी हमें एक लंबा फासला तय करना है और इस फासले को तय करने में जो सबसे बड़ी निर्णायक भूमिका अदा की है वह वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, यानी एक जनपद एक उत्पाद की इस अभिनव योजना ने की है। प्रधानमंत्री मोदी जी एक बात कहते हैं कि हुनर हाट हो या एक जनपद एक उत्पाद की योजना, एक परंपरागत उद्यम को आगे बढ़ाने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का माध्यम भी है और रोजगार सृजन का भी एक माध्यम है। दोनों अपने नौजवानों को रोजगार के साथ जोड़ने, अपने कारीगरों को रोजगार के साथ जोड़ने, अपने शिल्पकारों को दस्तकारों को रोजगार के साथ जोड़ने और उनकी कारीगरी को मंच देकर के जब हम आगे बढ़ते हैं तो आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी प्राप्त करता है। एक साथ दोनों लक्ष्यों को साधता हुआ अभियान एक बार नई ऊंचाइयों को छू रहा है और निश्चित ही नकवी जी आपके नेतृत्व में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार ने तो बहुत अद्भुत काम किया है। यह अद्भुत काम उनकी कला और उनकी दस्तकारी को एक मंच दे करके वैश्विक मान्यता दिलाने का काम किया है। आज दुनिया के अंदर जहां कहीं भी कोई एग्जीबिशन लगता है तो हुनर हाट से जुड़े हुए कल्प जो कारीगर हैं बड़ी मात्रा में 5 लाख की संख्या में ऐसे जितने भी कारीगर थे शिल्पकार थे उनको चिन्हित किया गया और फिर उनको एक नया मंच देने का कार्य हुआ। वे लोग आज जाते हैं, उनके उत्पाद को हम डिजाइन के साथ जोड़ते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ते हैं, उन्हें जाने की व्यवस्था करते हैं, उन्हें हर प्रकार का प्रोत्साहन देते हैं और ये प्रोत्साहन इनकी बड़ी ताकत होती है और जब इनके चेहरे पर खुशहाली होती है, जब इनकी ताकत बनती है प्रोत्साहन, ये ताकत वास्तव में देश की ताकत बनती है और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार ये ताकत करती है। उस आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए ही आज हम सबको एक नए अभियान के साथ आगे बढ़ना है। हमने आत्मनिर्भर भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की इस संकल्पना को कोरोना कालखंड में देखा है। अब याद करिए, अगर पहले की तरह भारत होता तो यह देश कोरोना वैक्सीन के लिए भटक रहा होता। आज आपने सुबह सुबह ट्वीट देखा होगा, ब्राजील के राष्ट्रपति जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद किया है क्योंकि भारत ने वैक्सीन भेजा है ब्राजील में भी। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने ब्राजील को वैक्सीन भेज करके आत्मनिर्भर भारत की ताकत का एहसास भी कराया है और वसुधैव कुटुंबकम की भारत की परंपरागत मान्यता को भी एक बार फिर आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से मोहर लगाई है। यही तो भारत है, यही तो नया भारत है, ये न्यू इंडिया यही है। हम भूटान को भी वैक्सीन देंगे, नेपाल को भी वैक्सीन दिया है, बांग्लादेश को भी वैक्सीन दिया है, मालदीव को भी वैक्सीन दिया है और मॉरिशस के लिए भी भारत का वैक्सीन पहुंच गया है। भारत की 135 करोड़ नागरिकों को सुरक्षित रखते हुए आज अमेरिका ने भी भारत की सराहना की है कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को भारत ने जिस तत्परता के साथ सहयोग किया है वह अभिनंदनीय है। वास्तव में अभिनंदन प्रधानमंत्री मोदी जी का के विजन का अभिनंदन है और आत्मनिर्भर भारत की उनकी परिकल्पनाओं को वैश्विक मान्यता मिलने की है। यही तो वैश्विक मान्यता है और भारत दुनिया के अंदर एकमात्र देश है। भाइयों बहनों, स्वावलंबन यही होता है, एकमात्र देश है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, लेकिन सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ जन भावनाओं का सम्मान और जन आस्था का सम्मान करते हुए कोविड प्रबंधन में, कोरोना के प्रबंधन में दुनिया के अंदर सफलतम कार्य भारत ने किया। लेकिन भारत एकमात्र दुनिया का देश है जिसने कोविड में सबसे अच्छा प्रबंधन करने के बाद दो वैक्सीन एक साथ अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए उतारी हैं और वैक्सीनेशन का कार्य 15 जनवरी से सफलतापूर्वक पूरे देश के अंदर हो रहा है। यही तो आत्मनिर्भर भारत है। आत्मनिर्भर भारत अपने लोगों की
अपेक्षा और आकांक्षाओं की पूर्ति करने के साथ साथ वैश्विक मंच पर भी भारत की धमक को मजबूती के साथ स्थापित करना, यही तो भारत है। और उस भारत की, आत्मनिर्भर भारत की इस परिकल्पना के लिए जो कदम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत सरकार ने उठाए हैं, आज दुनिया उसकी सराहना कर रही है। दुनिया भारत के पीछे आज खड़ा होकर के हर प्रकार से भारत को सहयोग कर रहा है, समर्थन कर रहा है। और दुनिया के अंदर सबसे अच्छी वैक्सीन भारत की मानी जा रही है। याद करिए, भारत जो दो वैक्सीन लेकर के आया है इसके दाम कितने हैं? 200 रुपए एक वैक्सीन का। दुनिया के अंदर जो वैक्सीन आया है उसके दाम कितना है मालूम है आपको? 5000 रुपया। भारत का वैक्सीन सबसे प्रभावी है, 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस में भी वह सफल रह सकता है। लेकिन दुनिया के वैक्सीन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? -40 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। क्या यह संभव है हर जगह? यानी सफलता की कहानी किस रूप में भारत लिख रहा है, यह आज हम सबके सामने है। और इसलिए भाइयों बहनों, इस हुनर हाट की ताकत को हम लोगों को भी एहसास करना चाहिए। एक जनपद एक उत्पाद की ताकत को हमें एहसास करना चाहिए। हम जाते हैं, आपने इस बार देखा होगा होली हो, होली का आयोजन आने वाला है, लेकिन होली के समय लॉकडाउन हो गया, तो लॉकडाउन प्रारंभ होने जा रहा था, कोरोना पहुंच चुका था, बहुत सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हो पाए थे। लेकिन दीपावली के अवसर पर आपने देखा होगा कि दीपावली के अवसर पर लोगों ने लोकल चीजों को ही महत्व दिया था, स्वदेशी चीजों को महत्व दिया था, लोकल दीप, लोकल स्तर पर बनने वाले उत्पाद गिफ्ट के रूप में भी वही दान वही लोगों को दिए जा रहे थे। ईद के समय में भी वही उपहार में दिए जा रहे थे। यानी स्वदेशी चीजों को हम जितना प्रोत्साहित कर पाएंगे, और अगर हमें किसी को गिफ्ट देना ही है और स्वदेशी वस्तुओं की को गिफ्ट के रूप में उपलब्ध करा रहे हैं, तो वह इन सभी दस्तकारों को, कारीगरों को, हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन देता है और भारत के उत्पाद को वैश्विक मान्यता भी प्रदान करने का कार्य करता है। ये टिकाऊ भी है, आत्मनिर्भरता का भी संदेश देता है, रोजगार के सृजन को भी प्रोत्साहन देता है, और साथ साथ हर एक फील्ड में हमें एक नए सिरे से आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करता है। और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय नकवी जी को, जिन्होंने राजधानी लखनऊ में इस हुनर हाट का आयोजन एक बार फिर से आयोजित करके इसके साथ एक जनपद एक उत्पाद के कार्यक्रम को भी इसके साथ जोड़ने का कार्य किया है। मैंने विगत वर्ष इस कार्यक्रम को यहां पर देखा था, यहां पर केवल कारीगरों और हस्तशिल्पियों के लिए ही स्थान नहीं था, बल्कि मैंने देखा था, मैंने कभी सुना था, और स्वाभाविक रूप से मुझे स्वर्गीय लालजी टंडन जी याद आने लग गए थे जब मैं पिछली बार यहां के चाट की दुकानों को देख रहा था, क्योंकि बड़े वाले टंडन जी तो इन सब चीजों के शौकीन थे, वे इन चीजों को करते थे। नए टंडन जी को भले इसका शौक है या नहीं है, मुझे तो कभी जानकारी नहीं है, क्योंकि उन्होंने ना इसका शौक हम लोगों को, कम से कम मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगियों को तो कभी नहीं करवाया है। लेकिन टंडन जी इस चीज को देखते थे, और मैंने यहां पर स्टॉल देखे थे पिछली बार मैं जब आ रहा था, अभी फिर वे स्टॉल एक बार फिर मुझे देखने को मिले थे। देश के अंदर के अलग अलग जगहों के जो व्यंजन हैं उसका भी आप स्वाद इस हुनर हाट में ले सकते हैं, और उस हुनर हाट के माध्यम से भारत की परंपरागत खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, ये सभी इसमें मिलेगा। क्या है हमारी अनेकता, और उस अनेकता में एकता, यही अनेकता में एकता का संदेश ये हुनर हाट यहां पर इस मंच के माध्यम से दे रहा है। यही भारत है, यहां पर रहन सहन, खान पान, वेशभूषा सब कुछ अलग अलग होगा, लेकिन इस सब के बावजूद हमारी भाव और भंगिमा भारत के प्रति, भारतीयता के प्रति, आत्मनिर्भर भारत के प्रति एक होगी, और अनेकता में एकता का यह भाव ही हमें वसुधैव कुटुंबकम के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। और यही कारण है कि सफलता की नई ऊंचाइयों को विगत वर्ष इस हुनर हाट ने नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। अभी दीपावली के
दो तीन दिन पहले प्रदेश के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग ने एक जनपद एक उत्पाद की एक प्रदर्शनी लखनऊ में लगाई थी, और यहां पे लगाने के बाद जब वो कार्यक्रम के परिणाम के बारे में मैंने विभागीय मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी से पूछा था, मैंने कहा क्या स्थिति है, क्योंकि कोरोना कालखंड था, हम लोगों को दीपावली के लिए या लोगों की मांग थी थोड़ा छूट मिलनी चाहिए, हमें कोरोना से भी बचाना था लेकिन लोगों को थोड़ी छूट देनी थी। तो इन्होंने कहा बहुत सफल रहा। तो मैंने धीरे से उनसे पूछा, मैंने कहा सफलता का मतलब? उन्होंने कहा देखिए आप टेराकोटा की बात कर रहे थे, गोरखपुर का एक टेराकोटा का कारीगर यहां आया है। तो मैंने पूछा उससे क्या हुआ, कहा कि आप उसी से पूछना। तो मैं जानता था आया होगा तो 15-20 हजार रुपए की उसकी बिक्री हुई होगी, बेचारा खुश होगा, बातचीत होगी। तो आया तो मैंने उससे बहुत धीरे से ही पूछा, मैंने कहा जोर से पूछेगा कहीं मीडिया वाले ना सुन ले, अगर वो कहेगा 15,000-20,000 रुपए का बिका है तो मीडिया के लिए छोटी सी खबर है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भैया कुछ बिक्री हुई? उसने कहा हां हुई, और वह एक दीप स्टैंड लेके आया था मिट्टी का, टेराकोटा का बना हुआ मेरे लिए। तो मैंने कहा इसके दाम कितना है? उसने कहा ये 25,000 रुपए में बिक रहा है लेकिन मैं आपके लिए लेके आया। तो मैंने कहा भैया ये बेच करके अपने घर जाइए, क्यों बेकार मुझे लेके दे रहे हैं? उसने कहा नहीं नहीं ये मैं आपके लेके आया हूं, आपने आपको मालूम है मेरा कितना बिक्री हुआ है? मैंने कहा कितने? कहा उसने 3 दिन के अंदर मेरे 8 लाख रुपए की विशुद्ध बिक्री हुई है, 8 लाख रुपए की बिक्री। गोरखपुर का एक टेराकोटा का एक सामान्य कारीगर अनुमान कर सकते हैं, अगर मंच नहीं मिलता तो कौन पूछता इनको, मंच नहीं मिलता तो हमें लक्ष्मी गणपति की मूर्ति के लिए भी चीन पर निर्भर रहना पड़ रहा था। चीन से निर्मित होने वाली मूर्तियों में न तो वहां पे कला थी, न उसमें कोई सकल सूरत थी, वो ऐसे बनाता था हाथ। मूर्तियों को भी मूर्ति देखने लायक तो बने, और आज आप देखिए जब इन कारीगरों ने बनाना प्रारंभ किया, एक एक कारीगर ने एक एक हस्तशिल्पी ने व्यापक मुनाफा कमाया, आत्मनिर्भर हुए, उन्हें एहसास हुआ कि हां हमारी कला को हमारे हुनर को भी मंच मिल रहा है। और वह मैंने दीपावली के एक दिन पहले स्वयं महसूस किया क्या उत्साह था लोगों के मन में, एक प्रतिस्पर्धा प्रारंभ, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा इसी को कहते हैं, मिट्टी के दीपक भी बनेंगे। तो मैंने देखा कि लखनऊ में डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, श्री आशुतोष टंडन जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, इन लोगों ने यहां की महापालिक नगर पर निगम के साथ मिलकर के नगर निगम की गौशाला में जाकर के गोबर के भी दीपक बनाने प्रारंभ कर दिए, और 1 लाख की संख्या में दीपक के गोबर गोमती जी के तट पर यहां पर लोगों ने प्रज्वलित किए। यानी आखिर उस गोबर के दाम भी मिले ना गौशाला को, लेकिन साथ साथ लोगों ने दीप जला करके अपने पर्व और त्योहारों के प्रति सादगीपन का भी एहसास कराया। सादगीपन को भव्यता की ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है इसका एहसास भी कराया, और साथ साथ स्वदेशी और स्वावलंबन का भी एहसास देश और दुनिया को कराया। अगर हमारा कारीगर स्वावलंबन की ओर अग्रसर होगा तो भारत भी एक स्वावलंबी भारत बनेगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा, और यही आत्मनिर्भर भारत की कहानी है जिसने आज दो दो वैक्सीन एक साथ लॉन्च करके दुनिया को भी आज जब उसका एक्सपोर्ट भारत करना प्रारंभ कर दिया है। आज सुबह सुबह जब ब्राजील के राष्ट्रपति का ट्वीट आया, कौन ऐसा भारतीय है 135 करोड़ की आबादी में, जब ब्राजील के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया कि ये कोरोना वैक्सीन आप देखें, हनुमान जी को अपने हाथ में लेकर के, यानी संजीवनी का कार्य ब्राजील के लिए करेगा, ये संकल्प के साथ उन्होंने भारत को धन्यवाद दिया है। पूरा भारत गौरव की अनुभूति कर रहा है इस कार्य के लिए।
और इसलिए मैं सचमुच प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं कि आत्मनिर्भर भारत को जो उन्होंने प्रेरणा दी है, यह प्रेरणा आज हमें हर फील्ड में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। मैं इस अवसर पर एक बार हुनर हाट में आए हुए आप सभी कारीगरों का, हस्तशिल्पियों का, दस्तकारों का हृदय से, उत्तर प्रदेश की इस धरती पर, राजधानी की इस धरती पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आपका यह जो प्रवास है, प्रदर्शनी के दिनों में आपको यहां पर जो प्रवास करना पड़ेगा, यह आपके लिए यहां पर बहुत मंगलकारी होगा। आपके कारण हमारे स्थानीय जो कारीगर हैं वे इसके साथ जुड़ रहे हैं, उनको भी इस आयोजन के माध्यम से अपनी कला को, अपनी दस्तकारी को, अपनी हस्तशिल्पी को यहां पर आपके सामने प्रस्तुत करने का एक अवसर प्राप्त होगा। और फिर ये भी जब आपके साथ आपके राज्य में जाएंगे तो इनको भी वही सम्मान प्राप्त होगा जो सम्मान आपको उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त हो रहा है। यही इसी विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, माननीय नकवी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, आप सभी कलाकारों का हृदय से स्वागत करते हुए आज के इस अवसर पर मैं इस हुनर हाट के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को एक जनपद एक उत्पाद उत्पाद के इस अभियान के साथ जुड़ने, स्वदेशी स्वावलंबन के प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए आगे आने का आह्वान करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।